तो दोस्तों ये है 5525 घोड़ा है और ये ट्राली स्पेशल हमारे पास राजस्थान से आई है। डिले सारे कर दियो और इनमें पहले तो हम एक्सल करेंगे। खींच के रख। 10.5 है ना पूरा? हाँ 10.5 है। 10.25 चाम है। कितना है? 10.25 वो पौने दस। अब ये कर देंगे टूट ना जाए मुझे ना टूटेगा ना वेल्डिंग कर दिया बिल्कुल मजबूत। बस चक्के तो हो गए सारे रखे तो फिर बाद में वो कर देने ग्रीस। ड्राइवर साहब हैं और राजस्थान से स्पेशल मतलब गाड़ी लेकर आए हैं। ये टायरों से आपने पूरी वीडियो में देखा ये टायरों से मतलब इतनी ज्यादा परेशानी में थे। तो दोस्तों ये है 5525 घोड़ा है और ये ट्राली स्पेशल हमारे पास राजस्थान से आई है जोधपुर से और मतलब इनको मतलब बेचारों कोई कहीं मिस्त्री नहीं मिले। तो ये देखिए इनके टायर और इसका ट्रॉली का करें काम ये इकट्ठे लगे हुए हैं। ये हैं टायरों से परेशान। अब ये कह रहे हैं कि सर जी हमारे टायर बिल्कुल सही करवा दीजिए। मैंने कहा चिंता ना करो आपका काम सारा हो जाएगा लेकिन मुझे 15 से 20 दिन बाद आपको गाड़ी चेक करवानी पड़ेगी क्योंकि दोस्तों देखना बहुत ज़रूरी होता है ये नहीं कि करके भेज दो। और बाकी आगे आप वीडियो में देखना। लगाओ अंदर लगा लो हैं कर लो स्टार्ट कर लो। ढीले सारे कर दियो और इनमें पहले तो हम एक्सल करेंगे। एक्सल खींचने के बाद फिर हम सारे टायर खुलवा लेंगे। अलाइनमेंट होगी ना। तो दोस्तों स्पेशल ये हमारे पास जोधपुर राजस्थान से मुजफ्फरनगर यूपी आए हैं और मतलब इनको मिस्त्री कहीं इसलिए नहीं मिला क्योंकि इन्होंने अपने जहां पर ये जहां से आए हैं जोधपुर से राजस्थान से वहां मतलब इन्होंने काफ़ी मतलब मिस्त्रियों को दिखाया तो कोई कह रहा जी आपकी जो ट्रेलर में लाइन आउट है 1-2 इंच चलती है। तो मैंने भी हंसकर कहा मैंने कहा यार 1-2 इंच में तो ख़त्म कर देगी टायर ये। मैंने कहा 1-2 सूद तो चल जाता है 2 सूद भी बहुत ज़्यादा दोस्तों आधा और या फिर 1 सूद मैक्सिमम। तो मैडम थोड़ा बहुत तो चल जाता है कोई रिमो का फॉल्ट होता है या पुराने नए पुरानी चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा ये हम ओके कर देंगे आप चिंता ना करो। और दोस्तों इसका एक्सल भी होने वाला है क्योंकि एक्सल ये चलते हैं 45 टन में और इनका एक्सल भी करेंगे उसके बाद इनकी अलाइनमेंट होगी और पूरी वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। एंड तक वीडियो में बन रही है लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें दबा के और बेल आइकन को दबाना मत भूलें क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको भी बताता हूं कि कैसे कैसे होगा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह धन गुरु नानक सत श्री अकाल नमस्ते अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग दोस्तों वेलकम बैक टू अ चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है हम सबके? आई होप बढ़िया ही होगा मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों फिलहाल तो हम इसका खोल रहे हैं एक्सल। एक्सल प्रेस करने के बाद फिर हम उसके बाद करेंगे इसकी अलाइनमेंट। तो दोस्तों ये बहुत बेचारे उम्मीद लगाकर आए हैं हमारे पास कह रहे जी हमने बहुत बंदों को दिखा लिया मतलब मैंने कहा आपके टायर करवा दूंगा आपके सही वो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन टायर मैं अपने हिसाब से लगवाऊंगा। और जो इसका ये एक्सल है ये टाटा कंपनी के एक्सल हैं दोस्तों ओरिजिनल। तो इन्होंने पहले चेक करवाए थे बट मुझे इसमें डाउट है क्योंकि मैंने चेक करा था तो एक्सल में जितना प्रेस होना चाहिए वो प्रेस नहीं है। मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ कि ये 45 टन भरते हैं तो एक्सल प्रेस हो रखा है लेकिन वो 20 से 25 टन तक बहुत लाइट मतलब अगर अंडर का भी अंडर लोड चलाएंगे तो जाके सही है लेकिन इसको हल्का प्रेस करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये खोल कर हम लेके चलेंगे प्रेस मशीन पर। तो दोस्तों देखो जब कोई बंदा इतनी दूर से आता है इतना मतलब भरोसा करके आता है तो हमारा भी कहीं ना कहीं मतलब फ़र्ज बनता है कि उस बंदे को मतलब बिल्कुल तसल्ली करके देना हर काम की। तो मैंने इनको पूरी मतलब तसल्ली दी है मैंने कहा आपको मुझे 15-20 दिन बाद गाड़ी दिखानी है और टायर आपके कर दूंगा सही वो टेंशन मत लो। तो दोस्तों ये एक्सल प्रेस करने के बाद नीचे लगाकर उसके बाद करेंगे इनकी अलाइनमेंट। और दोस्तों जो इनकी बैलेंस रॉडें हैं चलो वो तो जब भी बताऊँगा आपको जो बैलेंस रॉड हैं उनमें भी मतलब आगे वार्च लेनी है ऐसी सिंपली नट खींच रखे हैं चलो बाद में बताऊंगा आपको। और इनकी अलाइनमेंट बाद में चेक करेंगे। तो फिलहाल तो इसको हमने करना है 45 टन के हिसाब से। और घोड़ा इनका दोस्तों बिल्कुल ओके है नया ही है अभी 2022 मॉडल ही है।
तो ये मेरे सब्सक्राइबर भी हैं दोस्तों, ये मुझे कह रहे थे कि हम सर आपकी डेढ़ से दो महीने से दो ढाई महीने से आपकी वीडियोस देख रहे थे तो हमें समझ नहीं आ रहा था। फिर इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और मैंने कहा आप सर टाइम लेकर आना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है काम में बिजी होने करके आपका भी काम ना हो तो मैं आपको टाइम दे दूंगा। तो मैंने इन्हें आज का टाइम दिया था, तो ये सुबह आ गए थे मतलब कोई 7-8 बजे के करीब। तो मैंने कहा था हमारी वर्कशॉप खुलती है 9:30 बजे के करीब, तो 9:30 से शाम तक हम आपका काम निपटा देंगे। दोस्तों काम इनका घोड़े का भी होने वाला है, एक साल हो चुका है घोड़े को लगभग 8-10 महीने, लेकिन उसके भी टायर बहुत बुरी तरह खा रखे हैं। तो मैंने इनके मालिक से भी बात करी तो वो कह रहे कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट चक्कर जब दिखाने आएंगे जब देख लेंगे। तो दोस्तों ये हमने प्रेस कर दिया है, कुछ वजह से मेरा कैमरा बंद हो गया था, कोई कॉल आ गई थी तो कैमरा बंद होने की वजह से प्रेस करने की वीडियो नहीं बना सका। चलो खैर कोई बात नहीं, प्रेस हमने करके और नीचे बस इसको लगा दिया है, इसके बाद लगाने के बाद इसको करेंगे हम इसकी अलाइनमेंट। तो ठीक है दोस्तों, आप बन रही है इस वीडियो में। तो दोस्तों ये जहां मैं आपको बता रहा था जहां से ये आए हैं हमारे पास जोधपुर राजस्थान से, तो वहां के कुछ मिस्त्रियों द्वारा इन्हें बताया गया होगा कि 1-1.5 इंच लाइन तो आउट होती ही होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, मतलब देखो 1-2 इंच तो बहुत बड़ी बात है, आधा या एक सूत वो चल जाता है, लेकिन अगर आप कहो कि 1-2 इंच तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, टायर मतलब ख़त्म कर देगी इतनी लाइन आउट हो। तो इनके टायर भी मतलब उड़ा रखे थे, उड़ाने से मतलब है कि गलत खा रखे थे, गलत तरीके से घिस रहे थे। तो मैंने कहा आपकी अलाइनमेंट भी करेंगे, क्योंकि जब से इनके पास ट्रॉली है दोस्तों इन्होंने अलाइनमेंट ही नहीं करवाई, इस चक्कर में कि उन्होंने कह दिया इनके कान में नहीं मतलब बोल ही दिया होगा कि भाई आपका 1-2 इंच चलता ही है। तो कह रहे हम इस चीज़ से परेशान हैं, आपकी वीडियोस काफ़ी देखी। तो दोस्तों मेरी वीडियोस जो मैंने डाली हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, और तो वो देखकर इन्होंने काफ़ी मतलब भरोसा दिखाया। तो मैंने कहा आपका भरोसा तोड़ेंगे नहीं, आप चिंता ना करिए, तसल्ली करके देंगे आपको, और जो आपका 1-2 इंच का फ़र्क है उसे करेंगे बिल्कुल 0-0। तो दोस्तों एक्सल हमने लगा दिया, बस इसके तवे खींचने के बाद एक्सल को करेंगे फिटिंग और उसके बाद इसकी अलाइनमेंट का काम स्टार्ट होगा। दोस्तों जोधपुर से यूपी मुजफ्फरनगर हमारा जो शहर है ये लगभग ऐसा पड़ता है 790-800 किलोमीटर के करीब है, और बताओ इतनी दूर से बंदा स्पेशल हमारे पास चलकर आए हैं। बहुत बहुत वेलकम करता हूँ सर आपको, जो आपने मतलब इतना भरोसा जताया, और इस भरोसे को हम कायम रखेंगे और आपके टायरों को करेंगे बिल्कुल सही। और जो इनका एक्सल था दोस्तों वो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया से 20-25 टन तक का प्रेस था, और हमने उसको किया है लगभग 45 टन के हिसाब से, क्योंकि ये कह रहे थे कि 45 टन में चलना है। और अंदर से टायर बहुत ज़्यादा खा रखा था इनका, बाहर का भी था अंदर से ज़्यादा था, तो मैंने कर दिया बिल्कुल करेक्ट। और दोस्तों इनका कहना एक चीज़ और भी है, कह रहे हमने जहाँ भी मिस्त्रियों से करवाया, लेकिन आपकी एक बात अच्छी लगी कि आप खुद अपने हाथों से काम करते हैं। तो मैंने कहा सर देखो हमारे अंदर यही हैबिट है, रखने को तो चेले कितने भी रख लो, मतलब अपने वर्कर अपनी वर्कशॉप पे कितने ही रख लो, उनके हाथ से काम करवाना और अपने हाथ से काम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो हम चीज़ कर देंगे और जो वर्करों ने करनी है उस चीज़ का फ़र्क बहुत पड़ता है। तो ये कह रहे थे कि हमारे वहाँ पर जहाँ भी हम करवाते हैं काम, मतलब वो खुद बहुत कम करते हैं जो उनके मेन हैं और उनके वर्कर ही करते हैं, तो इसलिए मुझे वहाँ पर संतुष्टि नहीं मिली। तो मैंने कहा इस चीज़ का आप चिंता ना करिए, यहाँ पर मोस्टली देखो 80-90% जो मेन काम होता है वो हम अपने हाथ से ही करते हैं, बाकी खुलाई बंधाई फिटिंग वो तो चलो वर्कर ने ही करनी है। तो इसकी दोस्तों हम अलाइनमेंट नाप रहे हैं, और अलाइनमेंट में दोस्तों ये बीच का हिस्सा तो था सही, लेकिन पिछले हिस्से में थोड़ा फ़र्क था। तो अब लगे हाथ, मैंने कहा पिछली तो नापी है, उससे पहले अगली नाप के फिर पिछली दोबारा नापेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा। तो दोस्तों उधर से नाप लिया था और इस साइड से भी अब मैं अपनी तसल्ली करूँगा। और दोस्तों इस एक्सल में तो कोई इतना खास फ़र्क नहीं है, 1/2 सूत का ही फ़र्क है, लेकिन पिछले वाले एक्सल को नापते हैं इसमें कितना फ़र्क है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इस एक्सल को मैंने नाप लिया है, इस एक्सल में दोस्तों कम से कम 1-1.25 इंच का फ़र्क था, अभी आपको आगे भी दिखाऊँगा। और इधर से नाप के फिर हम परली साइड भी नापेंगे। तो इधर से दोस्तों नापने के बाद उधर के एक्सल में 1-1.25 इंच का फ़र्क है। तो पहले आपको मैं नाप लूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों अब दिखाता हूँ आपको कि उस साइड कितना था और इस साइड कितना फ़र्क है। अरे यहीं लगे लगे पे काट दे रहा मैं गैस को।
देखो भाई खींच के रख साढ़े दस है ना पूरा। हाँ साढ़े दस सवा दस चाम है। कितना सवा दस? वो पौने दस यहाँ चाक है। कितना ठीक रहेगा भाई ये चार पाँच सूत काट दे रहे पाँच सूत। तो दोस्तों इसको बैलेंस राड को मैंने खोल लिया था और काटना स्टार्ट किया है क्योंकि दोस्तों इसमें 6 से 7 सूत का फर्क था और जब हम कटिंग करते हैं तो एक दो सूत तो कटिंग में भी चला जाता है तो उस हिसाब से मैंने एक सूत कम ही करा। लगभग 1.25 इंची का फर्क था और काफ़ी फर्क होता है दोस्तों। देखो एक आधा सूत तो चल जाता है लेकिन 6-7 सूत फर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो मेरे भाई मकैनिक है उनको पता होगा अभी 6-7 सूत कितना होता है, लगभग 1.25 इंची बैठता है। और ये इनको बराबर करके देंगे उसके बाद इनके टायर वगैरह और जो हमने एक्सल किया है उससे बिल्कुल ओके हो जाएंगे। तो दोस्तों ये ट्रॉली का वेल्डिंग था, मतलब ये कब्जे इनके साथे वेल्ड हो रखे थे और हमने करे वेल्डिंग हो रहा है तीनों कब्जे। अब ये कह रहे थे कि टूट ना जाए, मैंने कहा टूटेगा नहीं वेल्डिंग, हमने वेल्डिंग कर दिया बिल्कुल मजबूत। तो दोस्तों लंच करने के बाद जब हम आए तो ये वेल्डिंग कर दिया था विपिन ने और जो अंदर ये वार्शल थी 30 mm की ये नहीं लगी हुई थी, ये भी हमने लगाई है, काम करके दिया बिल्कुल ओके जैसा हमारे यहाँ पर करते हैं और इसके चक्के भी ग्रीस हो रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो डाला था ये भाई साहब ने तीनों, मतलब इन्होंने वेल्डिंग करवाए थे कहीं से सादा वेल्डिंग, तो ये तीनों कब्जे मतलब टूटे हुए थे बुरी तरह से और ये कह रहे थे जी सर जी इसमें सपोर्ट लगा दो ये। मैंने कहा भैया आप चिंता ना करिए ये मिग वेल्ड है, ये सादा वेल्ड नहीं है। देखो सादा वेल्ड ये कह रहे 2 बार करवाया था हमने, तो मैंने कहा ड्राइवर साहब अगर आपने 2-3 बार करवा चुके हो अब आपकी तसल्ली कर देंगे, मतलब चिंता ना करो जो हमने डाले पर वेल्ड किया है वो टूटेगा नहीं, आपका डाला चाहे फट जाएगा लेकिन वो वेल्ड नहीं टूटेगा। बाकी देखो ऊपर वाले से डर के कहते हैं 5 उंगली बराबर नहीं होती, कोई चीज़ लगी तो एक अलग बात है। तो दोस्तों उसका काम करते करते ये एक्सल भी आ गए थे हमारे पास, ये फूवा के एक्सल खुल के आए हैं बाहर से और इनको करेंगे प्रेस। प्रेस करने के बाद ये चलने हैं 40-45 टन में और उनको प्रेस करने के बाद फिर हम दोबारा इस लाइन पर आ गए हैं जो हम गाड़ी का काम कर रहे थे इसका ट्रेलर का। तो इसमें दोस्तों चक्के भी ग्रीस होने हैं तो चक्के धोने के बाद रख दिए थे और मैं लंच करके आया था तो लगभग शाम के 4 से 4:30 बज रहे हैं। तो एक बाहर गाड़ी खड़ी थी, विपिन कर रहा था उसका काम, मैंने कहा तो उसका काम निपटा गाड़ी का, उसमें वेल्डिंग का काम था दोस्तों और इधर मैंने चक्के ग्रीस करने स्टार्ट कर दिए थे और फादर साहब ने बैठे बैठे धो दिए चक्के। क्योंकि देखो दोस्तों अपने हाथ से काम करने का मज़ा अलग ही आता है क्योंकि हम जो काम फिटिंग करते हैं या फिर जो भी खोल के बांधते हैं और जो काम मतलब फंसा होता है उसे करने में तो एक अलग ही मज़ा आता है, कोई काम को उसमें से मतलब जंजाल में से निकाल के और उसको बिल्कुल सही तरीके से फिट करना तो उसका लेवल का अलग ही मज़ा होता है। तो जो मेरे भाई खुद काम करते हैं उनको तो ये चीज़ का पता होगा लेकिन कई मेरे भाई मतलब सिर्फ वीडियोस वगैरह बनाते हैं समझा देते हैं लेकिन अपने हाथ का एक्सपीरियंस अपने हाथ का ही होता है। तो दोस्तों इसको सिर्फ अब चक्के ग्रीस करके और हम करेंगे फिटिंग क्योंकि दोस्तों कई बार चक्के अगर हम लेबर से कराएँ या वर्कर से कराएँ तो मतलब फिर वो कहीं से कहीं ना कोई दिक्कत परेशानी हो जाए। तो देखो जवाब तो गाड़ी वाले को हमने देना है ना, वर्कर को कोई नहीं कहेगा कुछ, तो इस चीज़ का इसलिए हमें अपने ऊपर देखना पड़ता है भाई इसको खुद फिट करेंगे तो कितना टाइट रखना है कितना लूज़ रखना चक्के को वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये भाई साहब ये अपने पास ही बैठे हैं ड्राइवर साहब, तो ये कह रहे देख के बड़ा अच्छा लगा कि आप अपने हाथ से ही, मैंने कहा सर जी अपने हाथ से ही काम करते हैं, जो हमारे हाथ से करने वाला है वो हम अपने हाथ से ही करेंगे और बस इसमें एलसील ठोक के इसको करेंगे फिटिंग। तो ठीक है दोस्तों आप बन रही है इस वीडियो में। दोस्तों जो ये मतलब हब होते हैं EX के हब हैं इनको बड़े हिसाब से ही टाइट करना पड़ता है, अगर आप ज़्यादा दबा के टाइट कर दोगे तो फिर ये गर्म होने लगते हैं और जो इनका नया ग्रीस कराने का मतलब जो कराया हुआ होता है वो भी गर्म होकर पिघल जाता है ग्रीस और ज़्यादा देर चलता नहीं है तो टायर भी गर्म होने लगते हैं और सब कुछ मतलब उसी जो व्हील का है सब कुछ गर्म हो जाता है, मतलब इतना टाइट नहीं करना चाहिए, नॉर्मल अगर खींचोगे थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं हल्के हाथ से इसको टाइट कर दो एकदम बेहतरीन चलेगा आपका हब जो व्हील है ये, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो बस इसको कर दिया फिट और इसको करेंगे हल्के हाथ से ही टाइट, ज़्यादा टाइट नहीं, जहाँ पर मतलब उसका जो कार्टर पिन होती है उसका सुराख आ जाए। तो ठीक है दोस्तों आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को।
तो दोस्तों चक्का खींचने के बाद एक बार चेक जरूर करना पड़ता है कि कहीं ये लूज तो नहीं, अगर लूज हो तो उसकी फिर दोबारा सेटिंग की जाती है। वैसे मैंने पहले ही खोलने से पहले हमने दोस्तों इसको चेक कर लिया था, चक्का इनका कोई लूज नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको सूखे सेट भी नहीं किए। मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि चक्के जब भी ग्रीस करो तो सूखे सेट करने पड़ते हैं, और लेकिन इनके चक्के ढीले नहीं थे तो इसलिए मैंने बेझिझक इसमें ग्रीस भर के इसको खींच दिया है। और जो मेरे भाई अगर सूखे सेट जो चक्के ग्रीस होते हैं अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो फिर उसको भी कभी हम चक्के ग्रीस करेंगे तो मैं सूखा सेट करके एक बताऊँगा, और फिर आप उस तरह से भी सूखे सेट, अगर सूखा सेट दोस्तों चक्का होगा ना तो कभी ढीला नहीं होगा और कभी निकलेगा भी नहीं चक्का बाहर। अक्सर हमारे पास मतलब ये देखने में ये आता है कि हमारा सर चक्का निकल गया या हमारा हब व्हील सारा कुछ ही निकल गया, टायर भी मतलब निकल गए, तो वो दिक्कत होती है जब सीटें कटी होती है ना बैरिंग की, तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये बिल्कुल ओके थे एक्सल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अगर ये इनमें दिक्कत होती तो हम इनको बताते कि आपके एक्सल की सीटें कटी हुई हैं, फिर हम उसको वेल्डिंग भी करते, फिर हम उसको बनाते लेथ मशीन पर, खराद मशीन पर, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अक्सर देखा जाता है बहुत ज़्यादा कटी हुई मिलती हैं सीटें। तो दोस्तों ये एक बात और बताने लगे हमें, तो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। ड्राइवर साहब कहने लगे कि हमने जितनी बार भी कहीं काम करवाया आपकी शॉप के अलावा, मतलब हमने दिल्ली गुजरात या कहीं कहीं जहाँ पर भी ये गए हैं अपना काम करवाया, हर बंदा करवाता है, तो ये कहने लगे कि जहाँ पर भी हमने काम करवाया तो खोलेगा कोई और मिस्त्री, प्रेस करने कोई और जाएगा, हब ग्रीस कोई और करेगा, मतलब सब काम अलग अलग जगह हर बंदा अलग अलग करता है। तो ये आपको दोस्तों सिर्फ गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में जो सहूलियत मिलती है आपको ये मिलता है कि जो काम दोस्तों हम करेंगे सारा कुछ हम ही करेंगे, खोलेंगे भी हम, फिटिंग भी हम करेंगे और वेल्डिंग भी हम करेंगे, ग्रीस भी हम करेंगे। मतलब देखो थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है लेकिन तसल्ली कर देते हैं। अब दोस्तों हमने खोला और दूसरे मिस्त्री के भेजा तो उसने कैसे प्रेस किया कैसे नहीं प्रेस किया तो इस चीज़ का हमें नहीं पता, वो उसी को पता है जो बंदा प्रेस करता है। लेकिन ग्रीस उनमें किसी ने कैसे किया, किसी ने कम कर दिया काम, किसी ने फालतू कर दिया, तो वो बैलेंस नहीं बन पाता। फिर उसके बाद ड्राइवर रहते हैं परेशान कि हमारे टायर खा गई गाड़ी। तो दोस्तों अपने हाथ से काम करना और सारा काम खुद करना, इस चीज़ का बेनिफिट आप लोगों को ही मिलता है। और अगर हम खुद खोलेंगे खुद फिट करेंगे तो हमें ए से लेके जेड तक पता होगा भी इस गाड़ी में ये हमने किया है और ये इसमें हमने ये करा है, ये गलती थी, हमने ये काम कर दिया, तो इस चीज़ का पता होता है। तो कई हमने बहुत बार सुना है ड्राइवरों से कहते हैं कि कहीं दिल्ली बॉम्बे हर जगह, देखो कोई स्टेट का सबका अपने अपने, हर मिस्त्री का अपना अपना रूल है, लेकिन हमारे यहाँ ये फैसिलिटी आपको मिलती है कि अगर जो भी काम खुलेगा हम खुद करेंगे, सिर्फ इंजन से रिलेटेड और जो बॉडी वगैरह होती है उसको रिलेटेड, उस चीज़ को छोड़ के बाकी सारा काम हमारा है ही है। वो आपने वीडियोज़ में देखा ही है और आप बहुत प्यार भी देते हो और कमेंट भी दोस्तों आप बहुत अच्छे अच्छे करते हो, तो ऐसे कमेंट करते रहा करो, बड़ा अच्छा लगता है भाई आप इतना लोग इतनी वीडियो को मतलब आप इतना प्यार देते हो। तो ठीक है दोस्तों आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। क्योंकि दोस्तों काम तो हर बंदा कर लेता है लेकिन टायर लगवाने कैसे लगवाने हैं ये हर एक किसी के बस की बात नहीं है। अगर टायर आपने गलत लगवा दिए तो काम करने का कोई फ़ायदा नहीं, टायर दोबारा आपके खाते ही चले जाएंगे, मतलब गलत ही घिसाती चली जाएगी गाड़ी। तो मैंने दोस्तों इनको 15-20 दिन बाद आने का कहा है, मैंने कहा आप 15-20 दिन बाद आके चेक करवाना, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आपको बताऊँगा, नहीं तो चलाना गाड़ी बहुत बढ़िया। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है काम करके दे देते हैं उसके बाद 1.5 से 2 महीने बाद गाड़ी आती है टायर मेरे दोबारा खा रहे हैं, वो गलत टायर लगाने का नतीजा होता है। तो आइए कुछ टाइम दोस्तों हमने बिल्कुल गाड़ी का काम करने के बाद ड्राइवर साहब से भी बात की और आपको भी सुनाते हैं हमने कैसे कैसे मतलब उनको मतलब संतुष्टि दिलाई, तो आइए सुनते हैं। तो दोस्तों ये गाड़ी आई थी राजस्थान से, किस जगह से? जोधपुर से। जोधपुर से, आपका नाम क्या? अशोक। अशोक, तो ये ड्राइवर साहब हैं और राजस्थान से स्पेशल मतलब गाड़ी लेकर आए हैं। ये टायरों से, आपने पूरी वीडियो में देखा ये टायरों से मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी में थे, सारे टायर इनके खा रखे थे, इनकी अलाइनमेंट भी करी, एक्सल जो इनकी एक्सल में दिक्कत थी वो भी करा, अलाइनमेंट का काम इनका मतलब जहाँ भी इन्होंने दिखाया अपने जगह पर जहाँ से आए हैं राजस्थान से,
तो मतलब कोई काफी जगह इन्होंने दिखाया, तो किसी ने कहा कि 1.5 इंच का चल जाता है, मैंने कहा नहीं चलेगा, एक आधा आधा एक सूट तो चल जाता है लेकिन 1-2 इंच बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इनका काम बिल्कुल तसल्ली करके दिया। अभी भाई को कहा है कि 15 दिन बाद आप आकर चेक करवाना, उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहेगी। वीडियो में क्या चला क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय। ठीक है।